सो नाउ नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे थे। सबसे पहले आपने देख लिया कि भाई यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है इसमें जो गैंग्लियंस थे हेड में प्रेजेंट है, दैट इज सुप्रा इसोफेजियल, देन थोरिक रीजन में प्रेजेंट है। यहाँ पे आपके तीन गैंग्लियंस प्रेजेंट होते थे थोरिक रीजन में, एंड देन एबडोमिनल रीजन में आपका गैंग्लियन होते थे जो सिक्स होते थे इन नंबर, दे आर सिक्स इन नंबर, दैट इज ओके। सो यहाँ पे अब आ जाते हैं पॉइंट्स पे कुछ और। यही डायग्राम के मेन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दैट इज जो आपका नर्वस सिस्टम था वो किसका होता था, गैंग्लियन से आपका बना हुआ होता था। यहाँ पे नर्वस सिस्टम क्या है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटेड, दैट इज कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटेड अरेंज्ड गैंग्लियो, ठीक है। किसका बना है, सेगमेंटेड जो आपके गैंग्लियो से उनका बना हुआ है, सेगमेंटेड गैंग्लिया का बना हुआ है ओके। एंड ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे, दैट इज जॉइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड ओके। एक दूसरे से ये वेंट्रल साइड से जुड़े हुए होते थे, ठीक है, दैट इज गॉट इट। वेंट्रल साइड, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। वेंट्रल पोजिशन क्या है इनकी, वेंट्रल है। अभी इसको मैं और थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा, आप लोग पहले से ये चीज जानते हो वैसे भी, ठीक है। आपके थॉरेक्स रीजन में आपने देख लिया कितने थे, थॉरेक्स रीजन के अंदर आपके तीन गैंग्लिया होते थे, और आपके जो एब्डोमन रीजन है वहां आपके सिक्स गैंग्लिया होते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये चीज अभी आपने डायग्राम में भी देखी, ठीक है। थॉरेक्स के आपके तीन पार्ट्स थे, दैट इज प्रोथोरेक्स, देन मीजो एंड देन मेटा। तो तीनों में आपके सिंगल सिंगल गैंग्लिया थे। अब आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट, जो हेड होता था सबसे पहले, जो अभी हमने डायग्राम में देखा, हेड में आपके थोड़े बहुत नर्वस सिस्टम होता है, पूरा नर्वस सिस्टम हेड में नहीं होता एज यू नो। तो हेड दैट विल कंटेन ओनली अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, थोड़ा बहुत नर्वस सिस्टम आपका यहाँ पे देखने को मिलता है बस। जबकि बाकी का जितना भी नर्वस सिस्टम था वो आपका कहाँ था, डिवाइडेड आपके थोरेक्स और एब्डोमेन में। रिमेनिंग पार्ट जो होता था दैट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, डन। आप लोगों ने जब एनिमल किंगडम को पढ़ा था तो एनिमल किंगडम में आपने नोटोकॉर्ड्स और आपके जो कॉर्डेट्स थे, नॉन कॉर्डेट्स और आपके कॉर्डेट्स, दोनों में डिफरेंस देखे थे। वहां पे मैंने आपको समझाया था, बताया भी था कि आपके जो नॉन कॉर्डेट्स थे, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर नर्व कॉर्ड कैसी होती थी, कौन बताएगा? नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आपकी नर्व कॉर्ड कैसी होती थी बच्चों, कौन बताएगा? सर, डबल वेंट्रल एंड सॉलिड। राइट अंकिता, राइट रतन, राइट बच्चों। आपके नर्व कॉर्ड कैसी होती थी, दैट वाज डबल होती थी, ठीक है, वेंट्रल होती थी, अरेंजमेंट इसका वेंट्रल था और सॉलिड थी। जबकि कॉर्डेट्स के अंदर आपकी सिंगल होती थी, डॉर्सल होती थी और होलो होती थी, याद है ना? बाकी बच्चों को ये वाली बात क्लियर है ना? राइट शिल्पा, राइट, इज इट क्लियर ना बच्चों, बाकी बच्चों को ये क्लियर है ना? राइट, ठीक है। तो देखो आपको वही चीज ध्यान रखनी है, आपको इन
पॉइंट्स को ध्यान रखने, आपके आने वाले पॉइंट्स भी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज देखो आपकी यहाँ पे समझाइए कि यहाँ पे आपकी जो नर्व कॉर्ड है वो कैसी है। आपकी नर्व कुछ पार्ट तो हेड में प्रेजेंट है, बाकी सारा पार्ट आपके थोरेक्स और एब्डोमेन में प्रेजेंट है। कैसा अरेंज है? वेंट्रल है, दैट इज वेंट्रल पार्ट में अरेंज है। और इस चीज को आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जस्ट चेक इट। यहाँ पे तुम लोगों को ये जो नर्व कॉर्ड्स नर्व्स दिख रही है, डब पेयर दिख रही है कि नहीं दिख रही? डबल, लाइक दिस दिख रही है कि नहीं दिख रही? इस तरह से यहाँ भी है, यहाँ भी है, दैट इज। अब बात समझ में आ गई, डबल है, पेयर्ड है, और आपका कैसी है? दैट इज सॉलिड है और वेंट्रल है। गॉट इट बच्चों? यस सर। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपका क्या? आपके जो हेड में प्रेजेंट थे गैंग्लियंस, क्या नाम था उनका? क्या नाम है उनका? जो आपका हेड है, दैट इज ब्रेन, हेड में जो ब्रेन है, इसमें जो गैंग्लियन है उनका क्या नाम बताया था मैंने? सुप्रासेल्यूलर गैंग्लियन। हाँ, राइट राइट बच्चों, राइट राइट अविनाश, दैट इज सुप्रा इसोफेजियल, सुप्रा इसो फेजियल गैंग्लियो, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियो। ठीक है, ओके, दैट इज। अंकिता, सब इसोफेजियल जो होता था, जस्ट आपके जो हेड है और आपका जो थॉरेक्स रीजन है, इन दोनों के पार्ट, इनके बीच में प्रेजेंट होता है ये जो ऊपर आपका, दैट इज ये जो मैंने डायग्राम बनाया, इस डायग्राम में देख लो, यहाँ पे आपका सब इसोफेजियल गैंग्लियन दे रखा है, दैट इज ये कहाँ प्रेजेंट है? आपका जो थॉरेक्स रीजन है, दैट इज, और दूसरा आपका जो ब्रेन वाला पार्ट है, ये ब्रेन वाला पार्ट है, इन दोनों के बीच वाला जो ये पार्ट होता है, दैट इज, दैट विल कंटेन सब इसोफेजियल गैंग्लियन। ओके ओके अंकिता, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पे जो मैं बता रहा था पॉइंट, कि भाई आपका जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन थे आपके ब्रेन के अंदर, यानी आपके हेड के अंदर, यहाँ पे क्या था? अंडरस्टैंड दैट थिंग, यहाँ आपका क्या होता था? दैट इज, एक सेकेंड सेटिंग कर, ओके। इनका काम क्या होता था आपके, इन गैंग्लियंस का? दैट विल्स, आपके इनसे जो नर्व्स होती थी वो डराइव होती हैं, दैट विल सप्लाई नर्व्स टू एंटीना, एंटीना एंड कंपाउंड आईज। गॉट इट? बात समझ में आई बच्चों? आपके जो हेड वाला रीजन था, ब्रेन वाला रीजन था, उस ब्रेन वाले रीजन में आपका क्या होता था? उस ब्रेन वाले रीजन में आपका एंटीना प्रेजेंट होते थे कॉकरोच के, और उसकी कंपाउंड आईज होती थी। तो उनको जो भी सेंसेशन हो रही है, वो जो भी चीज देख रही है, उन पे जो नर्व्स की फॉर्मेशन हो रही है, वो नर्व्स की फॉर्मेशन कहां से जा रही है? आपकी सुप्राइसोफेशियल गैंग्लियन से डेराइव हुई। गॉट इट? अब एक चीज और समझना, आपकी जो कंपाउंड आईज होती थी, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। आपकी यहाँ पे जो कंपाउंड आईज होती थी, इनमें इस तरह से होती है, एक डायग्राम बना देता हूँ, रफ डायग्राम पहले, लाइक दिस। इस तरह से इनको कॉकरोच की आईज आपको देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड आईज, आप सभी ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, ये आपके छोटे छोटे लेंसेस से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और इन लेंसेस को आप क्या बोलते थे, कौन बताएगा मुझे? What is the name of these lenses? इन लेंसेस का नाम क्या होता है बच्चों, कौन बताएगा? इस तरह से होती है इनकी कंपाउंड आईज, दीज आर कंपाउंड आईज, और ये छोटे छोटे लेंसेज होते हैं। इन लेंसेज से आपको, आप क्या बोलते हो बेटा, क्या नाम होता है इसका? Who will tell me? किसी को नाम याद है? अंकिता, शिल्पा, अविनाश, आराधना, रितका, जनक, राइट आराधना, राइट राइट आराधना, ओमिटेडिया, राइट बच्चे। तो आपके कंपाउंड आइज जो होते थे,
ओमेटिडिया, हाँ, ये आपके जो कंपाउंड आईज होती थी ये किसके बनी होती है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया, दैट इज, ये नाम याद रखो अविनाश, टीडिया से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, ओके, इसको मार्क करो। इन्हीं ओमेटिडिया की वजह से इनकी जो आईज होती थी, ये जो देखते हैं वो मोज़ेक स्ट्रक्चर इनको देखने में नजर आती है, दैट लुक्स लाइक अ मोज़ेक स्ट्रक्चर, हमारी तरह नहीं होता कि बहुत क्लियर पिक्चर इनको नजर आ रही हो, धुंधली पिक्चर इनको नजर आती है, लेकिन क्योंकि ये नॉक्टुरल होते हैं, रात में ज्यादा निकलते हैं, दिन में ये कम ही निकलते हैं, सो दैट्स वाई इनको अगर मोज़ेक विजन भी नजर आता है तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनमें एंटीना होते हैं, तो उस एंटीना की हेल्प से ही अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस कर लेते हैं, पता कर लेते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट। बात समझ में आई सभी को, इज इट क्लियर? यस सर। एनी डाउट किसी को यहाँ पे? नो सर। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, तो आपका यहाँ पे कैसे है ये ओमेटिडिया प्रेजेंट्स हैं, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो हैं, इनको आप ओमेटिडिया कहते हैं, दीज आर ओमेटिडिया, इन्हीं की वजह से इनको दिखाई देता है। अंकिता नहीं, दो हजार लेंस का मतलब ये नहीं कि ये 2000 इमेजेस देख रहे हैं, क्या करूं अंकिता यार, एक चीज बताओ, तुम्हारे सामने ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये दो कंपाउंड आईज दिखाएंगे, कंप्लीट आईज को, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड आईज, अब एक आईज के अंदर ये इनके छोटे छोटे ऐसे 2000 ओमेटिडिया हैं, अब भाई मुझे एक चीज बताओ, क्या ये सारे ओमेटिडिया एट द सेम टाइम अलग अलग इमेजेस देखेंगे, या जो इनके सामने है एक बड़ी सी पिक्चर उसको देखेंगे? आई बात समझ में भाई, आपके ओमेटिडिया हैं छोटे छोटे जो आपस में मिलकर एक पूरी बड़ी सी इमेज को जोड़ रहे हैं, एक पजल होता है ना, जो आपने देखा कार्डबोर्ड पे पजल आते थे जिनको आप जोड़ के एक पूरी पिक्चर बनाते हो, तो इनको भी सेम वैसी ही पिक्चर नजर आती है, हमारी तरह बिल्कुल क्लियर विजिबल नहीं होते, इनको विजिबिलिटी नहीं दिखती, जैसे हम एकदम साफ बिल्कुल देख सकते हैं ऐसा नहीं होता इनको, लेकिन ये उस छोटे छोटे ओमेटिडिया आपस में उस इमेज को जोड़ लेते हैं और एक कंप्लीट इमेज बना लेते हैं, जो मोज़ेक व्यू होता है, ठीक है, थोड़ा धुंधला होता है बट काम चल जाता है इनका, क्योंकि नॉक्चुरल है, रात में ज्यादा निकलते हैं, दिन में इनकी एक्टिविटी कम है, सो ये सेंसेशन के लिए अपने जो दूसरे सेंसरी पार्ट्स हैं, जैसे कि इनके एंटीना है, ठीक है, सरकी है, उनका यूज करते हैं, दैट इज, उसके थ्रू ये सेंसेशन अपने एनवायरमेंट का पता करते हैं, दैट्स ऑल, इनको देखने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। अब बात समझ में आ गई अंकिता? ठीक है, तो ओके, तो आपको ओमेटिडिया की हेल्प से ये कैसा, इनकी इमेज कैसी बनती है, दैट आपके छोटी छोटी इमेजेस को जोड़ के एक कंप्लीट इमेज बना लेते हैं, जिसको आप क्या कहते हो, मोज़ेक विजन बोलते हो, ठीक है, तो दैट विल रिसीव सेवरल इमेजेस, इनको काफी सारी अलग अलग इमेजेस देखने को मिलती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड मोज़ेक विजन, इसको आपने क्या कहा, मोज़ेक विजन कह दिया, दिस इज कॉल्ड योर मोज़ेक विजन, दैट्स ऑल, ठीक है। इसके अलावा और क्या होते हैं इनमें सेंस ऑर्गन्स, आपने अभी यहाँ पे जो देखे एंटीना देख लिया, आपने एंटीना देख लिया, आपने आईज देख ली, इनके बारे में कुछ और सेंस ऑर्गन दे हैव ऑल्सो, सम अदर सेंस ऑर्गन्स, और कौन कौन से होते हैं इनमें, तो दूसरे सेंस ऑर्गन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या आ गया, एंटीना और आई, ये तो अभी आपने देख लिए, ठीक है, इनके अलावा मैं बता रहा हूं, तो यहां सेंस ऑर्गन्स में और कौन से आ गए अदर देन एंटीना एंड आई, लिख देता हूं नहीं तो भूल जाओगे, अदर देन एंटीना एंड आईज, इनमें आपके सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, एक तो हो गया मैक्सिलरी पल्प्स, वन इज मैक्सिलरी पल्प, ठीक है,
ये आपके माउथ का पार्ट होता है, ठीक है, दैट इज. दूसरा हो गया आपका लेबियल पल्प, ये लोअर जो लिप्स होते हैं उनको बोलते हैं. मैक्सिलरी पल्प, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, माउथ का पार्ट है ये भी. और लेबियल पल्प जो होता था ये आपका क्या होता था, दैट इज लोअर लिप्स होता था, ठीक है. लेबियल पल्प ये लोअर लिप्स पे प्रेजेंट होता था, दैट इज, ये मैं अभी माउथ पार्ट में बताऊंगा. देन इसके बाद आप ये दोनों लिख देता हूं यहाँ पे, ये माउथ पार्ट है, दीज आर माउथ पार्ट, ठीक है. इनमें आपके ये पल्प जो है सेंसेशन का काम कर रहे हैं. देन इसके अलावा आपका और क्या हो गया इसके अलावा, दैट इज आपके एनल सर्किल, ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ये भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो एनल सर्किल. नाम से समझ में आ रहा है, एनल वर्ड आ रहा है, तो ये लास्ट में प्रेजेंट होंगे, एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होंगे, दैट इज ओके, दैट इज एनल सर्किल, दैट इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में, ये आपको देखने को मिलते हैं मोल. और इसके अलावा मेल में एक और एक्स्ट्रा पार्ट होता था जो फीमेल में नहीं होता, उसका नाम क्या होता है, कौन बताएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पार्ट जो आपको मेल में देखने को मिलता है फीमेल में नहीं. कोई है जो बताएगा मुझे क्लास में, देयर इज अ स्पेशल पार्ट विच इज प्रेजेंट ओनली इन मेल नॉट इन फीमेल, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पार्ट. आई होप सो, शायद इंग्लिश में समझ में आ चुका होगा अंग्रेजों. Yes. यार क्यों क्यों मैं मुझे क्यों गुस्सा दिला रहे हो धीरे धीरे, मैं जितना हंसूंगा सोच लो धीरे धीरे गुस्सा हो रहा हूं मैं, फिर नहीं आता तो बोल दो, आता है तो आंसर दो. केबीसी नहीं चल रहा है यहाँ पर कि मैं ऑप्शंस दूंगा और तुम्हें उसके बदले इनाम मिलेंगे. तो भाई आपके कॉकरोच में मोज़ेक विज़न नॉक्टुरल विज़न एक ही है, जिसमें सेंसिटिविटी आपकी ज्यादा होगी लेकिन रेजोल्यूशन कम होगा, दैट इज. तो ये हो गया इसका आपका नर्वस सिस्टम, दैट इज नर्वस पार्ट जो आपको देखना था. अब आ जाते हैं इसके बाद इसकी मॉर्फोलॉजी, लेट्स टॉक अबाउट मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी को देख लेते हैं एक बार. अब ओके, सेंसिटिविटी लाइक अंकिता कि आसपास कोई प्रे है क्या, कोई शिकार तो नहीं है, ठीक है, या फिर आसपास कोई खाने की चीज तो नहीं है उसको सेंस करना, या एनवायरनमेंट कैसा है, जैसे दिन होता है तो लाइट ज्यादा है तो उसको सेंस करना, ठीक है, रात है तो लाइट नहीं है तो उसको सेंस करना, लाइक दिस. ओके, अब बात समझ में आ गई सेंसिटिविटी फॉर वॉट. ठीक, अब आ जाओ नाउ नेक्स्ट अगले पार्ट पे हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं. तो भाई मॉर्फोलॉजी में स्टार्ट करने से पहले पहले इसके एक छोटे से डिटेलिंग देख लेते हैं, हल्का सा इंफॉर्मेशन इनकी हम कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है. एक टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई, इसकी मॉर्फोलॉजी को देखने जा रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा ये भी देख लें कि भाई है क्या. आपका फाइलम क्या था इसका, आर्थ्रोपोड था, आप सभी जानते हैं, दैट वॉज आर्थ्रोपोडा, हमने एनिमल किंगडम में देख लिया था. क्लास क्या हो गई थी इसकी, इंसेक्टा हो गई थी, ये भी हमने देख लिया था. आपका सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोड होता था और सबसे बड़ी क्लास आपकी इंसेक्टा होती थी, ये हमने इससे पहले चैप्टर एनिमल किंगडम में समझा था. इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, अच्छा कौन बताएगा इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, हु विल टेल मी अबाउट द बॉटनिकल नेम ऑफ कॉकरोच. ओके अमेरिकाना, हाँ प्राइ पलेंटा अमेरिकाना. और कोई बच्चा है जो मुझे बताएगा इसका बॉटनिकल नेम, ओके शिल्पा डू यू नो और नॉट, मुझे बस इतना बताओ, ठीक है आराधना, अच्छा ओके
अविनाश, एनी अदर? रितिका, ओके झनक, हाँ हाँ अविनाश सर, क्या शांत, बिल्कुल शांत अविनाश, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, ठीक है बेटा, बिल्कुल शांत, वेरी गुड, ठीक है। अब जितनों ने भी पैरी प्लेनेटा अमेरिका खाना है, अपने कान पे थप्पड़ मार लो अपने आप से, जितनों ने भी नाम बोला है ना पैरी प्लेनेटा अमेरिकाना, सब अपने आप को थप्पड़ मार लो। मैंने क्वेश्चन क्या पुटअप किया था, एक बार उस क्वेश्चन को ध्यान करो,